नमस्कार दोस्तों, जे मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 जो कि मैंने अमेजन की फेस्टिवल सेल जो आई थी दोस्तों अभी 2 दिन पहले, उसमें से मैंने मंगाई थी। तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। ये देखिए, ये है मेरे पास अमेजन का बॉक्स अमेजन तरफ से। तो मैंने इसको जब जी मेरे पास आई थी तो मैं इसको ओपन करके चेक किया था, इसलिए इसका बॉक्स ये ओपन है पहले से ही। तो मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, देखिए ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3। देखिए इस पर लोगो बना हुआ है वॉच का और यहाँ पर लिखा हुआ भी है वॉच 3। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ये की हाइलाइट दी गई है इसकी, ये देखिए, और पीछे दोस्तों कुछ ईएमआई नंबर वगैरह दिए गए हैं। यहाँ दोस्तों इसकी ये सील थी इसकी, जो कि दोस्तों मैंने इसको कट कर दिया था चेक करने के लिए। और ये दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आता है मेरे पास ये वाला बॉक्स, इसके अंदर एक बॉक्स और आता है, देखिए हटाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आता है ये बॉक्स, तो इसके अंदर दोस्तों हमें कुछ क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ से इसे ओपन करना है, और दोस्तों जिम मिलता है हमें इसके अंदर एक चार्जिंग केबल और चार्जिंग दोस्तों इसे लॉक ही बोल सकते हो, जो कि दोस्तों एक मैग्नेटिक है। जैसे दोस्तों हमें सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव 2 में देखने को मिला था, सेम वैसा ही चार्जिंग केबल आपको इस वॉच में ही मिलता है। और है दोस्तों इस साइड में दोस्तों कुछ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, देखिए ये वारंटी कार्ड है इसका, इस वॉच का वारंटी कार्ड। और ये दोस्तों इसकी ये क्विक स्टार्ट गाइड है, जिसके बारे में दोस्तों वॉच के बारे में आप इसमें जान सकते हो कि कैसे ओपन करना, कैसे इसे पेयर वगैरह करना, कैसे कनेक्ट करना है मोबाइल से। और दोस्तों कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये पूरा बॉक्स खाली है। तो ये सब मैं साइड में रखता हूँ, अब चलता हूँ दोस्तों मेन वॉच की तरफ। दोस्तों देखिए जी है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3, और इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, खाली है। ये सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 दोस्तों, ये देखिए इसका दोस्तों जो ये स्ट्रैप है जी लेदर टाइप से, एकदम काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए ऊपर से दोस्तों ये ब्लैक है, और पीछे थोड़ा जी साइड इस कलर में ये लेदर साइड लेदर टाइप में आता है दोस्तों। यहाँ पे इसका सेंसर दिए हुए हैं इसमें, जो भी सेंसर है इस वॉच के अंदर, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसर हैं दोस्तों। इसमें ऊपर एक रिंग दी गई है ये, इसको आप इसे घुमा सकते हो। अभी इसके फीचर में आपको दिखाऊंगा ओपन करने के बाद इसे। यहाँ दोस्तों 2 बटन दिए गए हैं वॉच में, ये देखिए एक बटन ये वाला है, ये देखिए एक जी वाला बटन है, और दोस्तों दूसरा बटन ये वाला है। ऊपर वाला बटन दोस्तों बैक करने का है, जैसे ही आप कोई फंक्शन यूज करते हो तो आप इसे बैक कर सकते हो। और दोस्तों ये बटन है पावर ऑफ और ऑन का, और दोस्तों इससे आप बिक्सवी भी ऑन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको बिक्सवी का भी ऑप्शन मिलता है। तो पहले दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने इसे फोन से कनेक्ट कर लिया था कल चेक करने के लिए, बट मैंने आपकी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए इसको फिर से ऑफ करके इसमें पैक कर दिया था। तो मैं इसे ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए लोगो बना हुआ आ चुका है इसके अंदर, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3। दोस्तों अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उसकी बैटरी डेड हो चुकी है। तो मैं अभी दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें सैमसंग का भी अब लोगो आ चुका है, अब जो ऑन हो चुकी है, क्योंकि मैंने आप जैसा आपको बताया कि मैंने इसे पहले ही कनेक्ट कर लिया था अपने सैमसंग डिवाइस से। तो दोस्तों देखिए ये है मेरे पास सैमसंग का S20 FE 5G वाला, जिससे मैंने इसे कनेक्ट किया था। तो अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी वॉच को ऑन करने के बाद जो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन होती है वो सैमसंग के मोबाइल में हमें पहले से ही मिलती है। आपको दोस्तों इस एप्लीकेशन में जाना है, ये वाली गैलेक्सी बियरबल वाली में जिसमें, और दोस्तों इससे ये कनेक्ट रहती है। देखिए अभी मेरे फ़ोन के अंदर सिर्फ 26% बैटरी बाकी है, ये देखिए 26% बैटरी बाकी है।
तो अब मैं आपको इस बॉश के फंक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, जब आप इस डायल को घुमाओगे तो इसके जो और इसमें फीचर हैं वो आएंगे। देखिए, जैसे मैं घुमाऊँगा तो ये आ गया, और घुमाऊँगा तो इसका दोस्तों ये मेनू आ गया। और दोस्तों जैसे मैं इसको घुमाता जाऊँगा इसमें जो भी फंक्शन है वो आते चले जाएंगे। ये देखिए देखिए, इसमें दोस्तों जो भी हमारी इसमें कैलेंडर भी है, तो जिस कैलेंडर के हिसाब से जो जिस तारीख के हिसाब से दोस्तों जो फेस्टिवल होता है वो इसमें शो कर देता है। तो जैसे दोस्तों आज गोवर्धन पूजा है तो इसमें शो रहा है आज गोवर्धन पूजा के नाम से हमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग मिलती है, स्ट्रेट मॉनिटर मिलता है, और प्लस दोस्तों इसके अंदर आपको SPO ऑक्सीजन लेवल वाला भी सेंसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों हमें एक्टिव टू में देखने को नहीं मिलता था, बट इसके अंदर हमें मिलता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इस वॉच की ये है कि दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो दोस्तों थोड़ी अंदर की साइड है। ये देखिए, ये देखो, मैं वहीं रख रहा हूँ इस रिंग के ऊपर, ये देखो। तो इसका दोस्तों जो डिस्प्ले है वो थोड़ा अंदर है, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि इस पर स्क्रेच आने के काफ़ी कम चांस होंगे। अगर आप हाथ कभी कभार किसी चीज़ से टकरा भी जाता है तो इस रिंग के ऊपर असर पड़ेगा, इस आपकी डिस्प्ले एकदम सेफ रहेगी। तो जी दोस्तों, इसमें एक अच्छा फीचर दिया गया है कि इसकी डिस्प्ले काफ़ी अंदर की तरफ है, और आप चाहो तो इसके ऊपर एक टेम्पर ग्लास भी लगवा सकते हो, जो दोस्तों एकदम फिक्स इसके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वॉच है, अगर आपको इसे लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए, इस क्वालिटी आपकी दोस्तों इसके पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है एंड आपके हाथ में, क्योंकि इसकी दोस्तों ये फिटिंग है वो एकदम दोस्तों जो डिजिटल वॉच आती हैं, जैसे दोस्तों क्या बोलते हैं उसे, फास्टैग वगैरह की वॉच आती हैं, सेम उस तरह की इसकी क्वालिटी है। इस टाइप की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो दोस्तों की काफ़ी अच्छी हाथ में फिट होती है ये, देखो। और आप दोस्तों इसमें चाहो तो इसके वॉच फेस भी चेंज कर सकते हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉच फेस दिए गए हैं। जब मैंने इसको लिया था तो जी वाला वॉच फेस इसके अंदर पहले से ही डिफ़ॉल्ट में आया था, बट मैंने इसको चेंज कर दिया था। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, देखिए। और दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो अगर आप एक नॉर्मल तरीके से इसे यूज करते हो, सिर्फ एक वॉच की तरह, आप कोई भी कनेक्टिंग नहीं रखना चाहते, और जब आप कहीं पर जा रहे हो तभी आप कनेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप इसे अपने मोबाइल से डिसकनेक्ट कर देते हो, तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस वॉच की दोस्तों ये बैटरी लाइफ कम से कम 3 दिन चल सकती है। बट अगर आप कंटिन्यू आप इस मोबाइल से इसे कनेक्ट कर रखते हो, तब ऐसी कंडीशन में दोस्तों इस वॉच की दोस्तों बैटरी लाइफ है वो सिर्फ 1 दिन की होती है, उससे ज़्यादा ये नहीं चलती, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फीचर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों इसकी बैटरी उतनी बड़ी नहीं है। बट अगर आप इसे सिर्फ वॉच की तरह यूज करते हो, और जब आप कहीं जा रहे हो तब आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हो, जिससे आपको अपना मोबाइल अपनी आपकी पॉकेट से ना निकालना पड़े कोई कॉल वगैरह आती है तब, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जी आपको 2 दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप दे सकती है। अब दोस्तों मैं अब आपसे बात करता हूँ इसकी प्राइस की, इसकी प्राइस क्या है। तो दोस्तों अमेन सेल के अंदर ये आपको मिल रही थी, हमें मिल रही थी दोस्तों डिस्काउंट लगाने के बाद, बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद 15,000 रुपये की। बट अगर आप इसे अभी ख़रीदते हो तो ये आपको 17,999 रुपये की मिल जाएगी, यानी समथिंग दोस्तों 18,000 रुपये की। तो मैंने इसे बैंक ऊपर लगाने के बाद 15,000 रुपये में ख़रीदा है। अगर आपको अभी ये ख़रीदनी है तो आप कुछ दिन का वेट करो, क्योंकि अमेजन पर ऊपर चलते रहते हैं बैंक ऊपर वगैरह, तो आप इसे फिर से 15-16 हज़ार रुपये की प्राइस में इसे ख़रीद सकते हो जब भी कोई ऑफर आता है तब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।